हाय दोस्तों, कैसे हैं? अभी मैं आपके सामने जो लेके आया हूँ, बैंक निफ्टी लेके आया हूँ। और आप देखेंगे, बैंक निफ्टी जो अभी चल रहा है वो 24741 के आसपास बता रहा है। जो अभी चल रहा है, अभी जस्ट करंट चला 24794 चल रहा है। आज देखेंगे ये बैंक निफ्टी, तो आप देखेंगे 24870 का हाई बनाया है और 24528 का लो भी बना दिया है। तो हम इसको अगर नवंबर के ऑप्शन चेन में जाकर के देखना चाहें तो हमें क्या देखने को मिलता है और हमें कैसे इसको ट्रेड करना चाहिए। अगर मेरे को पेपर ट्रेडिंग करना है तो कभी भी, जब भी बैंक निफ्टी बाय करें ना, तो वो आप मंथ के एंड का बाय करें, कभी भी पार्टिकुलर वीकली। ये वीकली आता है, आप देखेंगे यहाँ तो 1 नवंबर, 6 नवंबर, 15 नवंबर, 22 नवंबर, 29 नवंबर, लास्ट है 29 नवंबर। तो मंथ का एंड हो गया ये 29 नवंबर, तो हमें 29 नवंबर के बैंक निफ्टी पे अपनी पोजीशन बनानी है, जो भी बनानी है। अब अगर हम जाएँ तो कैसे पोजीशन बनानी चाहिए, पोजीशन को भी कैसे बनाया जाता है, तो हमको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि हमको 200 से नीचे का बाय करना चाहिए कभी भी। और 200 के अराउंड में बाय कीजिए, या 150 से 200 का रेट होना चाहिए, उस अराउंड में आप बाय करने की कोशिश कीजिए। तो अभी चलिए हम अगर इसको बताते हैं, तो आपको टोटल महीने में मैक्सिमम 4 ट्रेड लेने हैं और मिनिमम 1 के बाद अगर प्रॉफिट आता है तो आपको वेट करके प्रॉफिट बुक करना है। अब ये 20 का लॉट हुआ, अभी कुछ दिन पहले 40 का हुआ करता था, अब ये 20 का लॉट हुआ करता है। तो अगर 20 का लॉट है और अगर हम देखें, अभी ये 31 तारीख है, तो आज 31 तारीख है और अभी आप देखेंगे तो चार्ट पे, यहाँ पे देखेंगे तो अभी ये आप इसका टाइम देखेंगे तो अभी ये टाइम देखिए, ये अभी बज रहा है 13:14 हो रहा है, अभी 13:14 हुआ है और ये यहाँ पे आपको दिख रहा है 24773 पे क्लोजिंग दिखा रहा है। तो आज का अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसको आवरली चार्ट पे बात करूँ, इसको अगर मैं आवरली चार्ट पे ले जाऊँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो चालू हुआ इसने 30 तारीख को, तो 30 तारीख को एक अच्छी खासी यहाँ पे लोएस्ट बनाई है इसने, 24 लो बनाया है इसने 24876 का, फिर यहाँ पे और यहाँ पे से बनाते हुए यहाँ लो बनाया है इसने 24530 का लो बनाया, ये बनाया 9:30 में आज की डेट के। अच्छा, 31 का यहाँ से है, 31 का है, तो आज इसने ओपन किया 24834 पे और हाई बनाया 845 का, लो बनाया 24530 का। उसके बाद ये फिर गया ऊपर और फिर ऊपर लिया और फिर अभी ऊपर की ट्रेंड में जा रहा है ये। तो अगर मुझे अभी पोजीशन बनाना है तो कैसे पोजीशन बनाना चाहिए, तो बेस तो पोजीशन है ये, आप एट द मनी के बनाइए। अभी 24792 चल रहा है तो एट द मनी आपका 24800 होता है। लेकिन आप चलिए अगर एक बार 25200 का ले लीजिए, आप 25200 का कॉल लीजिए। और आप एक्चुअली मैं आपको बता रहा था 4000 से ऊपर का नहीं लेना चाहिए, लेकिन अभी चलिए इसको एक बार एक काम करते हैं, एक कॉल लेते हैं 25200 का, 473 रुपये। इस महीने में सिर्फ 3 ही कॉल लेंगे, अभी हम 4 नहीं लेंगे। और 25200 का कॉल आपको 400 के राउंड में अगर मिलता है तो बेस्ट है, नहीं तो आप इसको 473 के आसपास लेके एक बार इसको वॉच कीजिए। अगर आप दिन भर के ट्रेडिंग देखेंगे इस पे देखेंगे, तो इसने आज अपने को ओपन हुआ था ये 461 और 435 का ओपन हुआ, 512 का हाई बनाया, 395 का लो बनाया। तो आपको, मेरे को लगता है जो कि इसका है W 454 है, तो 454 के आसपास आपको ये शायद मिल जाएगा, आपको 454 के आसपास इसको आपको बाय कर सकते हैं, इसको मिल सकता है आपको। तो ठीक है, 450 के आसपास खरीदिए आप, 25200 का है, 450 के आसपास कर दिएगा तो 45 दूनी 90 तो आपको 9000 का इन्वेस्टमेंट पहला कॉल लगेगा। अब आपको बाय नहीं करनी, एक लॉट अगर पेपर ट्रेडिंग करना है तो आप ये लॉट आपने पेपर ट्रेडिंग कर लिया और इसको अब होल्ड कर लिया, 9000 रुपया लगा लिया। अब इस महीने में आपको तब तक बाय नहीं करनी है जब तक ये वापस ये 500 एटलीस्ट पॉइंट नहीं गिरे। अगर यहाँ से ये वापस 500 पॉइंट गिरता, मतलब अभी चल रहा है 24792, अगर ये 24400 को नीचे जाता है, 400 के आसपास, तो वापस आपको एक बाई करनी है। और कहाँ की बात करनी है, बाई करनी है तो आपको डाउनवर्ड बाई करनी है। अभी 25200 का किया तो वापस आपको 300 के आसपास मिलेगा 24700 का, तो आपको 24700 के उस समय बाई करनी है, 24600 का बाई करना है, नीचे की ओर आपको भी जाना है तो आपको वहाँ पर बाई करना है। फिर आपको 300-250 रुपया लगाना है, 250 रुपये में मिलेगा, 200 रुपये या 300 रुपये मैक्सिमम, 300 रुपये से ज़्यादा नहीं लगाना, हमने 6000 रुपये आपको वापस इन्वेस्ट होना चाहिए। तो दूसरा लॉट वहाँ पे आपको लगाना, अगर नीचे गया तो उसी तरह वापस 400 पॉइंट जाता है, 500 पॉइंट गिरता है,
अगर मान लीजिए वापस ये 24,000 पे चला जाता है तो आपको यहाँ पे 24,500 या 24,400 का बाई करना है, वापस 300 रुपये लगाना है, 300 रुपये पे बाई करना है, तो 6,000-7,000 रुपये लगाना है। इस तरह से आपने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया, पहला अगर 9,000 पे किया, दूसरा 6,15 किया, दूसरा 6 पे किया, तो 21,000 का किया इस महीने के लिए, बस इस महीने के लिए यही करना आपको। अब उसके बाद आपको इसका क्यों ऐसा स्ट्रेटजी बनाते हैं, तीन तो आपको टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 9, 6, 15 और 6, 21, 25,000 से बिलो का इन्वेस्टमेंट हो गया आपका। अब इसकी स्ट्रेटजी का क्या फ़ायदा है, ये स्ट्रेटजी का ये फ़ायदा है कि अगर अभी अगर किसी कारण से नीचे जाता है और जब ऊपर लेता है आपका दो लॉट तो निकल जाएगा, अगर आपने 24,400 का लिया होगा या आपने नीचे में 24,000 का लिया होगा या 25,200 का लिया होगा, 500 पॉइंट ऊपर नीचे जाना है आपको, 400 पॉइंट मान लीजिए एक, तो आपको यहाँ से 1, 2, 3, 4 नेक्स्ट 24,800 का खरीदना है, फिर 1, 2, 3, 4 24,400 का खरीदना है फॉल होने पे। ऐसे अगर आप नीचे जाते हैं और आपके रेट के आसपास मिलता है, मैंने 6,000-7,000 रुपये इन्वेस्टमेंट में मिलता है, तो आपको वहाँ पे बाई कर लेना है। अगर नहीं ऐसा होता है तो आपको अगर ऊपर चला जाता, आपने बाई किया अभी और ये ऊपर चला गया, तो आपको होल्ड करना है, फर्दर कोई बाई नहीं करना, ऐसा नहीं कि उसको एवरेज करना है। एवरेज इसमें जो करना है आपको डाउन साइड जाके करना है, ये नहीं कि 25,200 के लॉट को ही आप एवरेज करते जाएं, आप पैसा भी फंसेगा इसमें और इसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। अगर सपोज डेट मैंने क्यों ऐसा बताया कि 1,000 पॉइंट तो नीचे जाएगा नहीं, 500 अगर 400-800 पॉइंट चला गया, इतना नीचे तो जाएगा नहीं, अब इतना नीचे जाने जाएगा तो इसकी वैल्यू और भी गिर जाएगी। तो आपको जब वापस मान लीजिए 600 की पॉइंट रिट्रेसमेंट, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट बोलता है, 50% भी अप गया, तो अगर नीचे 1,000 गिर के अगर वहाँ से 500 भी उठा, तो आपके जो 24,200 पे लिया था उसकी वैल्यू 500 पॉइंट बढ़ जाएगी। 500 पॉइंट बढ़ने का मतलब आपके दो लॉट का तो पैसा आपको निकल गया, कवर हो गया, और वापस ऊपर ले ली तो आपको तीसरा लॉट का भी पैसा निकल जाएगा। तो इसका ये फायदा होता है, तीन लॉट को अगर आप ऐसे एवरेज करते हैं तो आपकी कॉस्ट भी कम हो जाती है और आप नीचे की ओर चले जाते हैं, तो जिस समय ये अप लेता है तो आपकी बाइंग पोजीशन बढ़ जाती है। तो आप अभी एक बार 25,200 का आज पोजीशन बना के पेपर ट्रेडिंग कीजिए 473 पे, वापस जब आपको अगर नीचे जाता है तो वापस 400 पॉइंट पे बाई करना है, अगर 400 पॉइंट गिरेगा तो ही बाई करना है, और आपको एवरेज रेट जो रेट है वो 300-350 इससे ऊपर मत जाइए। आप जब यहाँ पे 800-600 का बाई करके अपना पैसा इन्वेस्टमेंट, अगर सिंपल एक ट्रेड लेके बाई करना है तो आप अभी 24,700 का बाई कर लीजिए 733 रुपये में, आपको आज या कल में इसको गेन दे देगा। अगर आपको कोई ट्रेडिंग नहीं करना है इस मंथ के लिए, अभी के लिए आपको सिंगल एक ट्रेड में रखना है, तो आप 24,700 को 733 रुपये में मिल रहा है, इसको बाई करके होल्ड कीजिए। आपको यहाँ से कुछ भी नहीं, तो जब 25,500 या 26,000 पे क्लोजिंग जाएगा तो इसकी वैल्यू आपको कुछ नहीं होगा, तो 1,563-1,200 रहेगा, तो 700 का डबल हो गया, आप उतना डबल पैसा उठा के निकल के जा सकते हैं। तो अगर ये सिंगल ट्रेडिंग की बात बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कभी भी बैंक निफ्टी में अगर आपको फ्यूचर में भी ट्रेडिंग करना हो, पोजीशन बनाना हो, तो आप ऐसे पोजीशन अगर स्प्रेड करके बनाएंगे तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। चलिए ये पेपर ट्रेडिंग करके देखिए, ये फाइनेंशियल एडवाइस था और ये ब्लास्ट कॉल है, मैंने कि श्योर शॉर्ट कॉल है। ये 25 इस महीने की क्लोजिंग आपको 25,600 के आसपास या 26,000 के आसपास देखने को मिलेगी, वहाँ पे आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। अगर आज आप इसको 25,200 का कॉल लेते हैं 473 में और 26,000 जाएगा, तो वहाँ से 400 पॉइंट जाएगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी आपको कम से कम 800 के आसपास मिलेगी, तो आपका फायदा 400 लगाए तो भी 800 हो गए, तो आपका कहीं लॉस में नहीं रहेगा। अगर बहुत नीचे का लेने से लॉस क्या होता है, अगर वो उस वैल्यू को नहीं गए तो इंट्रिंजिक वैल्यू जो होता है उसका गेन आपको नहीं मिल पाएगा और वहाँ लॉस होता है। तो ऐसी ट्रेडिंग मत कीजिए, आपको पैसा तो लगेगा लेकिन आपको श्योर शॉट गारंटी रहेगा। तो आप इसको बैंक निफ्टी को ऐसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, फिर भी कोई पोजीशन बनानी हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लेकर के बात करके ही फाइनेंशियल पोजीशन बने। अगर चार्ट पे भी मैं दिखाना चाहूँ, ये देखिए अपवर्ड चार्ट है, ट्रेंड पॉजिटिव की ओर जा रहा है, तो आपको यहाँ से प्लस ही मिलेगा। आज भी इंट्राडे में आपको हो सकता है प्लस एक बार देखने को मिले, चूंकि बिग्स हाई ऊपर नीचे दिखा रहा है तो ऊपर नीचे दोनों साइड में दिखाएगा, आपको डरने की जरूरत नहीं। SSI प्लस बता रहा है, RSI प्लस बता रहा है, और MACD की लाइन भी दिख रही है, जो कि ये ब्लू लाइन है जो क्रॉस करके ऊपर की ओर निकल रही है, तो यहाँ पे भी अगर ऊपर की ओर निकल रही है ये भी अच्छे सिग्नल है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो ये वॉल्यूम को यहाँ पे देखिए क्रॉस कर रहा है, और ऑलरेडी यहाँ से क्रॉस करके यहाँ जा रहा है, तो वॉल्यूम के साथ एवरेज वॉल्यूम के साथ ये क्रॉसिंग करने को तैयार है, तो कहीं पे भी ये बाय सिग्नल अच्छा है। आप इसको करें मंथ एंड की 29 नवंबर की आप प्लानिंग कीजिए ना, आजकल में डेली छोड़ दीजिए। तो आपको अगर सिंगल ट्रेड लेना है तो 24,700 का एट द मनी 733 में मिल रहा है, आप ले लीजिए, आप बहुत ही फायदे में रहेंगे और बहुत ही आपको अच्छा खासा पेपर ट्रेडिंग में देखने को मिलेगा। देखने के लिए वीडियो धन्यवाद। नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, कमेंट करें,
और लोगों को भी भेजें ताकि जिनको ज़रूरत होगी और भी लोग सीखेंगे और भी लोग देखेंगे, तो हमें भी खुशी होगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने लगेंगे।